इंफॉर्मेशन थी कि 101 मुजाहिदीन है, गलत थी। अंदाजा है कि 2 से 3 हजार दुश्मनों की स्ट्रेंथ है जो मुश्को वैली से बटालिक सेक्टर तक कब्जा किए हुए है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान 5th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। साहब कुछ आदमी लेकर दाहिनी तरफ जाओ। जी साहब। जी साहब, लगता है पाकिस्तानियों की शेलिंग से पूरा गांव खाली हो गया है। किलर साहब, सर विश्राम बैठो। मनोज कम से मनोज, हमने यालदोर गांव पर अपना कब्जा कर लिया है, क्यों ना इसी को अपना बेस कैंप बना लें। सर, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हमारी गोरखा कंपनी की एक कंपनी 53 बटालियन और 16 ग्रेनेडियर्स की मदद करेगी। ठीक है सर। जो कि कोकरतांग की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही है दुश्मन की रेजिस्टेंस पावर की वजह से। एनिमेट कोकरतांग इज वेरी पावरफुल, अ मैन इन फायर पावर, और तुमसे बेहतर दुश्मन से और कौन लड़ सकता है पहलवान पांडे। मैं चाहता हूं कि एक कंपनी लेकर तुम कुकरतांग की तरफ प्रोसीड करो। जी सर। ठीक है ना, काम हो जाएगा सर, विल बी डन। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाय खाने के लिए हमें राशन ना मिले, लेकिन एमिनेशंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। सर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी तैयारी करो। जी सर। मैं एक कंपनी लेकर जुबार की तरफ प्रोसीड करूंगा। टुमारो वी विल मूव एट 600 आवर्स। सर, 600 आवर्स इट विल बी सर। विश्राम, मैंने आराम का हुक्म तो दिया है, यह जानते हुए भी कि आने वाले दिनों में आराम हम सबके लिए हराम है। हमें काम ही ऐसा सौंपा गया है कि आराम हमारे नजदीक नहीं भटकेगा। हमारा निशाना होगा कुकरथांग पोस्ट। 3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स के जवान कुछ दिनों से कुकरथांग पोस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की नफरी और असला इतना ज्यादा है कि हमारे जवान चंद कदम भी नहीं बढ़ा पाए। हमें उनकी मदद के लिए जाना है। मैं जानता हूं कि काम आसान नहीं है, लेकिन गुरखा रेजिमेंट का हौसला, बहादुरी और इतिहास देखते हुए मुश्किल भी नहीं लगता। कोई शक नहीं साहब। असला तो हम लेकर जाएंगे ही, लेकिन साथ में काफी स्ट्रेचर्स भी लेकर चलना। इसका मतलब है साहब कि हम में से काफी लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। हम में से हर कोई लौट कर आएगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। ये मनोज पांडे का वादा है आप सबसे, हम एक भी साथी पीछे छोड़कर नहीं आएंगे। कोई शक नहीं साहब। लेकिन साहब, फिर भी कुछ जाने तो जाएगी। जरूर जाएंगी। शायद तुम नहीं जानते कि मौत की दुल्हन का भी स्वयंवर होता है, वो खूबसूरत से खूबसूरत जवान ले जाती है। फिर तो मेरा कोई चांस नहीं पड़ता साहब जी, मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूं। ऐसा तू समझता है थापा, कभी अपनी मां से पूछना कि तू कितना खूबसूरत है। पंजाब से मिला हो गया साहब। कितनी दूर है? पता है, नजदीक है साहब। पोजीशन लो, चाहे दुश्मन हमें धोखा दे रहा हो। ले
लिंक अप कोड दो। ड्रेबो वन फॉर अल्फा वन, ड्रेबो वन फॉर अल्फा वन। लिंक अप घुमती, लिंक अप घुमती ओवर। ड्रेबो दिस इज अल्फा, लिंक अप घुमती के सहारे, सहारे ओवर। घुमती के सहारे बोल रहा है, घुमती के किनारे बोल रहा है? सहारे बोल रहा साहब। ठीक है, अपनी पोजीशन दो और लिंक अप के लिए बुलाओ। ड्रेबो वन फॉर अल्फा वन, ग्रेट रेफरेंस, 43126 ओवर। दिखाई दे रहे हैं साहब जी। All clear. क्या खबर? खबर अच्छी नहीं है साहब। 3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स दोनों की पेट्रोलिंग पार्टी कुकर थांग की ओर गई है और वापस नहीं आई है। हम लोग 20 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं साहब। आप लोग अपने साथियों की तलाश में नहीं गए? नहीं साहब, हमें हुक्म था कि हम अपनी पोजीशन ना छोड़ें ताकि और जाने न जाएं। इस पोजीशन पर हमने बड़ी मुश्किल से कब्जा पाया है। ब्रिगेड नहीं चाहता है कि इस पोजीशन पर दुश्मन का कब्जा हो जाए और दुश्मन आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब गुरखा आ गया आप लोगों को रिलीव करने के लिए। हम इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। इस रास्ते से मत जाइए साहब, इसी रास्ते से हमारा पेट्रोलिंग पार्टी गया था जो अभी तक वापस नहीं आया। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। हेलो हेलो सिमरन, लिसन। ओह सॉरी आंटी, सिमरन को फोन देंगी? सिमरन, ओह जीसस, आई एम ग्लैड टू हियर योर वॉइस। ये है दीवाना आशिक। व्हाट लक डार्लिंग, इन बर्फीली चोटियों के नीचे एक एसटीडी बूथ मिल गया। एंड वंडर ऑफ वंडर्स, तुम भी घर पे मिल गई। क्यों, बाहर घूमती रहती है क्या? मंगनी तो हो गई, इसके बाद शादी होगी और शादी के बाद। बोलो ना, इस पे शर्माने की क्या बात है? बताओ ना बाबा। मैं बताता हूँ, इनकी शादी तोलोलिंग में होगी और हनीमून ये टाइगर हिल पे मनाएंगे। फैंटास्टिक जिमी, की बट आप। सर्दी तो बहुत है सिमरन, मगर तेरी याद की हरारत से मैं सर्दी का मुकाबला कर लेता हूँ। वाह, याद इधर का नया ब्रांड है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अच्छी तरह तो नहीं, मगर फोन पे आपकी बात सुन सुन के थोड़ा जान चुका हूं। और मैं भी आपकी बकवास सुनकर आपकी बदतमीजी से वाकिफ हो गया हूं। जी जी। Hey guys, 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 relax, relax. कैप्टन संजीव जामवाल, 13 जैकरिफ। कैप्टन अनुज नायर, 17 जाट। और यह लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, मेरा साथी। हंसी मजाक इसके साथ ही पैदा हुआ था और शायद इसके साथ ही जाएगा, डोंट माइंड हिम। बत्रा साहब, मजाक वहीं तक अच्छा होता है जहां तक किसी का दिल ना दुखे। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं माफी चाहता हूं। वेरी सॉरी। दैट्स लाइक इट, इट्स ऑल राइट। एंड बाय द वे, इट्स विकी। अनुज, अनुज कहाँ से हो? दिल्ली से। और आप? पालनपुर। Ah, beautiful place. Beautiful women. Really? Yeah, very. आओ आओ योगिंदर, तुम भी लाइन में लग जाओ। सब? हाँ भाई, नहीं नहीं, शादी जो हुई है बेचारी से बात तो कर ही लो। हाँ? जी सब। यार एक बात बताओ। जी। बातों से दिल भरता है क्या? साहब ये बात तो वही जाने जिसकी शादी हुई है। आपकी तो शादी भी नहीं हुई साहब, सॉरी साहब। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बलवान छुट्टी पर कब आए और उसके हाथों में शादी की हथकड़ी पहना दी जाए। तब तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं सर। आप? माफ कीजिएगा सर, मैं संजय कुमार, J&K राइफल्स। आप दोनों की बातें सुनकर रह नहीं पाया। बलवान सर। योगिंदर, 18 ग्रेनेडियर्स। राम राम। राम राम। शादी के बाद वाले पहले मिलन की लालच।